नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। एलएलबी की फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट एविडेंस, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पे मैंने पिछले वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए भी थे। आज अपन उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या प्रश्न किन धाराओं में आएंगे या किन धाराओं में वर्णित हैं, तो उन धाराओं को हम क्रमबद्ध तरीके से समझ लेंगे। तो आज हम सिर्फ उन धाराओं को, जिन धाराओं के अंतर्गत उन प्रश्नों को हल किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे आपको एविडेंस के सारे क्वेश्चंस इन धाराओं के माध्यम से सॉल्व करने हैं। अगले वीडियो में अपन सारे सेक्शंस को क्रमबद्ध तरीके से लेक्चर ऑन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में देखेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, प्राथमिक एवं द्वितीयक दस्तावेजिक साक्ष्य क्या हैं, दोनों में विभेद कीजिए। What do you mean by primary and secondary documentary evidence? Distinguish between. आंसर है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 62 में प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 63 और द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंसेज सेक्शन 64, 65, 65A, 65B, etc. तो इसमें अपन इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा व पुनः परीक्षा किसे कहते हैं, इन परीक्षाओं के विषय में विभिन्न नियम क्या हैं। व्हाट इज एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, व्हाट आर द वेरियस रूल्स गवर्निंग देम। आंसर सेक्शन 137, 138 एंड 139 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री, मृत्युकालीन घोषणा से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में मृत्युकालीन घोषणा साक्ष्य अधिनियम में ग्राह है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइंग डिक्लेरेशन, व्हाट सर्कमस्टांसेस इज अ डिक्लेरेशन एडमिसेबल अंडर द एविडेंस एक्ट 1872। आंसर सेक्शन 32 में है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, दीवानी तथा फौजदारी मामलों में सील के साक्ष्य की सुसंगति के कौन कौन से विभिन्न नियम हैं। What are the various rules of relevancy of evidence of character in civil and criminal cases? Answer है Section 140 of Indian Evidence Act 1872, साक्ष्य अधिनियम। Next question देखते हैं, question number 5, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, सह अपराधी, इसका हम आंसर भी यहीं दे देंगे, accomplice के लिए Section 133 है, पक्षद्वयी साक्षी हॉस्टाइल विटनेस सेक्शन 154 में है, सिविल एवं दांडिक मामलों में सबूत का भार, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस चैप्टर 7 सेक्शन 101 से लेकर 114A तक। डी है विबंध स्टॉपल चैप्टर 8 सेक्शन 115 से 117 में वर्णित है। ई सुसंगत तत्व एवं विवादित तत्व रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू चैप्टर 2 सेक्शन 5 एंड 6 में। एफ साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, प्रूव डिसप्रूव नॉट प्रूव चैप्टर 1 सेक्शन 3। जी विशेषज्ञ एक्सपर्ट चैप्टर 2 सेक्शन 45, 45A और 46। एच सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन चैप्टर 10 में है सेक्शन 141, 142 और 143 में। आई गवाहों की परीक्षा का क्रम व प्रकार काइंड्स एंड ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस चैप्टर 10 सेक्शन 138 रेस गेस्ट चैप्टर 2 सेक्शन 6 में वर्णित किया गया है। वहीं के में साक्ष्य एविडेंस की परिभाषा चैप्टर 1 सेक्शन 3 में है। विशेषाधिकृत संसूचनाएं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन चैप्टर 9 में सेक्शन 126, 127, 128, 129 में है। वहीं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगतता को निर्णीत वादों के माध्यम से समझाइए। एक्सप्लेन द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन विद डिसाइडेड केसेस लॉज। इसका आंसर है चैप्टर 2 तथ्यों की स्वतंत्रता के विषय में। ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स,
सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस में इसे डिफाइन किया गया है कि तत्वों की स्वतंत्रता के विषय में इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वीकारोक्ति का सामान्य सिद्धांत क्या है? स्वीकारोक्ति एवं संस्वीकृति में अंतर बताइए। व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसर्निंग एडमिशन? डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। आंसर चैप्टर 2 में सेक्शन 17-31 में डिफाइन है। सेक्शन 17 कहता है स्वीकृति एडमिशन, सेक्शन 24 संस्वीकृति कन्फेशन, इनको हम देखेंगे और डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन 8, प्रत्येक संस्वीकृति एक स्वीकृति होती है किंतु प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। एवरी कन्फेशन इज एडमिशन बट एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन, कमेंट। आंसर इसका चैप्टर 2 में ही है, सेक्शन 17-31 में। सेक्शन 17 स्वीकृति एडमिशन और सेक्शन 24 संस्वीकृति, इसको हम देख सकते हैं चैप्टर 2 में। भाई क्वेश्चन 9 है, वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनकी गवाही बिना उनके व्यक्तिगत रूप से किसी न्यायालय के सामने उपस्थित हुए भी सुसंगत होती है? व्याख्या विवेचना कीजिए। मेंशन द कैटेगरी ऑफ द पर्सन हुज टेस्टिमोनी इज एन एविडेंस इवन विदाउट अपीयरिंग पर्सनली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक्सप्लेन, वे कौन सी दशाएं हैं जिसमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता? व्हाट आर द केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर सेम हैं और क्वेश्चन के आंसर हैं। चैप्टर 2 सेकंड सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 साक्ष्य अधिनियम, उसमें हम ये सब देखेंगे। सारे क्वेश्चंस को अपन क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब तक आता है तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।